आलू बड़ा है, दाल बड़ा है, इडली बड़ा, उपमा बड़ा, ब्रेड ऑमलेट। चिली चिकन, चिली चिकन भी हो जाएगा, बनेगा अभी। ऐसे करके फोटो तरह कहाँ जा रहे हो? दादी के पास, नानी के पास, कहाँ जा रहे हो? सही पैकिंग है यार। और काजू का ये देखिए पैकेट, थोड़ी काफ़ी अच्छा लगा कि मतलब इस तरह के ट्रेनों में पेंट्री से खाना इस तरह से सर। क्या हाल चाल है आप सभी? सो आज की जर्नी होने वाली ट्रेन नंबर 12723 हैदराबाद न्यू दिल्ली तेलंगाना एक्सप्रेस में, जो कि रोजाना हैदराबाद से न्यू दिल्ली के बीच में चलती है। अगर मैं ट्रेन की टाइमिंग की बात करूं तो ये जो ट्रेन है ना, सुबह 6 बजे हैदराबाद से निकलती है और आपको अगले दिन सुबह 7:50 पर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँचाती है। सो तो लगभग हम लोग इस ट्रेन से 1680 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने वाले हैं 16 हॉल्ट के साथ 25 घंटा 50 मिनट। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे पीछे जो आप देख रहे हैं ना क्लॉक रूम, इसमें जो बैठे हैं ना काउंटर पे, वो अपने फैमिली मेंबर ही हैं। तो ये रहे अपने फैमिली मेंबर। क्या नाम हो भैया आपका? प्रकाश शर्मा। कहाँ से हो आप? यहीं से, पंजाब साइड से। पंजाब से हो? कितने दिन से आप यहाँ काम कर रहे हो? 15 महीने। अच्छा अच्छा, तो ये चार्ज क्या है अभी क्लॉक रूम का? 15 रुपया पर आवर्स ना? 24 आवर्स? हाँ, 15 रुपया पर लगेज। सही है, तो मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। अभी फिलहाल हम शूट कर रहे थे इंट्रो, तो भाई ने इशारा किया, हम देखे, हमको लग गया कि वो अपने लगते हैं फैमिली मेंबर है। चलिए मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। ओके सर, तो गाइस तो फिर ट्रेन आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे और इसमें लोकोमोटिव है लालगुड़ा का WA-7। हम लोग इस ट्रेन में जर्नी करने वाले हैं 3rd AC कोच में और आज अपनी कोच है B3 और सीट है 48 साइड अपर। तो अब हम लोग आ चुके हैं अपने कोच में और ये रही अपनी सीट 48 साइड अपर। तो लगेज को रखते हैं सबसे पहले भाई। वैसे ये 3rd AC का कोच जो है बिल्कुल नया है और आप देख सकते हैं नीचे भी चार्जिंग सॉकेट का फैसिलिटी दिया गया है, लोअर बर्थ वाले को भी। ये देखिए वो नीचे है और ऊपर भी दिया गया। तो भाई अपनी ट्रेन 5 मिनट रुकने के बाद सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है। चाय पिलाना था। कौन सी चाहिए? हाँ कॉफी चाय। डीप टी है ना? कितना? 10। तो भाई अपना आ चुका है डीप टी। वैसे इस ट्रेन में पेंट्री कोच है तो खाने पीने में दिक्कत होने वाला नहीं है, खाते पीते हुए हम लोग पहुँचेंगे दिल्ली तक। चलिए जर्नी की शुरुआत करते हैं चाय के साथ। दो दीजिए, दो दो और दे दीजिए।
क्या हो जाएगा अभी नाश्ता में? कटलेट ब्रेड बटर है, उपमा वड़ा है, ब्रेड आमलेट है, इडली वड़ा है। तो उपमा वड़ा कितने का होगा? 40 रुपये। 40 लिख कर दीजिए, 48 सीट नंबर। कितने देर में आ जाएगा? अभी आ रहा है, 20 मिनट में। 20 मिनट में, ओके। अच्छा, उपमा वड़ा में उपमा होगा, वड़ा कितना होगा? दो वड़ा और उपमा। कितने का होता है? 40 रुपये। और कोई नाश्ता? देखिए इसमें है उपमा और दो वड़ा, और साथ में इसमें होगा ये चटनी होगा सर। चलिए खाते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा है। वैसे ये जो आप देख रहे हैं ना, ये नारियल की चटनी, तो पहले इसको इसमें मिलाते हैं। अब खाते हैं। तो भाई अभी हम लोगों ने उपमा ट्राई किया, बहुत अच्छा था टेस्ट में। अब जो है ना ये ट्राई करते हैं वड़ा। ये मतलब काफी सॉफ्ट है, ब्रेड की तरह सॉफ्ट है, काफी बढ़िया भाई, मजा आ गया। ऐसा अगर ब्रेकफास्ट मिल जाए ना ट्रेन में तो अब क्या चाहिए। बहुत बढ़िया उपमा भी, बढ़िया वड़ा भी, काफी सॉफ्ट है। एक चिकन का, एक अंडा का, एक वेज का। उपमा वड़ा का पैसा ले लो। उतरेंगे आप? नहीं नहीं, दिल्ली जा रहे हैं। हाँ, शाम को दे देना पैसा। वैसे उपमा वड़ा बहुत बढ़िया था। खाना तो नहीं खाएंगे तो फिर मैं खाना खाएंगे ना? कौन सा खाएंगे? 20 थाली। 48 20 थाली में क्या हो जाएगा? दाल फ्राई है, एक सब्जी आएगा मिक्स, राइस पराठा, दही सब आता है। पराठा कितना रहेगा? दो रहेगा, एक्स्ट्रा लगेगा तो बता देना आप लोग को। सो गाइस, तो 140 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट, काजीपेट जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है KZJ। और यहां पर इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग यहां पहुंचे हैं 15 मिनट डिले। काजीपेट जो है ये आता है तेलंगाना में, नंबर प्लेटफॉर्म 3, और अभी फिलहाल यहाँ रोजाना 105 ट्रेन आकर रुकती है। वैसे इस स्टेशन को ओपन किया गया था इन द ईयर 1874। और काजीपेट ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन कनेक्ट करता है नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से। वैसे काजीपेट का फेमस है मैंगो पिकल, सिर्फ अपने भारत में ही नहीं, अक्रॉस द वर्ल्ड। सिर्फ कौन दिख रहा है? प्रतीक दिख रहा है? ऐसे कर दे, ऐसे करके फोटो उतरा। कहाँ जा रहे? दादी के पास, नानी के पास, कहाँ जा रहे हो? बुआ से घूम के आए, बुआ के घर। वो हैदराबाद रहती है इसकी। देखिए कितना क्यूट लग रहा है बच्चा। जय कर दे, ऐसे कर दे। नहीं कुछ बोल रहा है हमको देख के, क्या अनजान लोग को देख के। बाबू बोलो बोलो बोलो। ये हरियाणा का लड़का है भैया, बोलने में शर्माता नहीं, ये बहुत शरारत कर रहा है। अच्छा, वहाँ परेशान कर रहा था आसपास वालों को। हाँ, तो 234 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का तीसरा हॉल्ट, रामा गुंडम रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है RDM। और यहाँ पर इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं 30 मिनट डिले। रामागुंडम जो है ये भी आता है तेलंगाना में, नंबर प्लेटफॉर्म 3, और अभी फिलहाल यहाँ रोजाना 67 ट्रेन आकर रुकती है। और इंडिया का लार्जेस्ट थर्मल पावर स्टेशन जो है ना साउथ रीजन का रामागुंडम में ही है। चलिए ट्रेन अपनी निकल चुकी है, दिखाते हैं डिपार्चर।
क्या भैया? क्या है? आलू बड़ा, आलू बड़ा है, दाल बड़ा है, इडली बड़ा, उपमा बड़ा, ब्रेड ऑमलेट, बिस्कुट। आलू बड़ा दीजिए दो और दाल बड़ा ये भी दीजिए दो। नहीं रख दूँ? हाँ, गर्मा गर्म। स्टेशन का एक पेंट्री का कितना हुआ इसका? 40। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लिया है ये दाल वड़ा और आलू वड़ा, और ये जो दोनों चीज़ें हैं ना ये पेंट्री का बना हुआ है, बिल्कुल गर्मा गर्म है। हमने भैया से पूछा तो बोले हाँ पेंट्री में ही बना है। और ये जो चीज़ है ना भाई, मेरा फेवरेट है, जब भी हम आते हैं साउथ में तो दाल वड़ा तो ज़रूर ट्राई करते हैं, एक नंबर। वैसे इस ट्रेन में जो भी ब्रेकफास्ट में आपको मिल रहा है ना, उपमा वड़ा हो चाहे दाल वड़ा हो या आलू वड़ा हो, भाई एक नंबर है। आप इस ट्रेन में ना मतलब खा सकते हो, बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट मिलेगा। इस वजह से हमने लंच भी ऑर्डर कर दिया कि भाई चलो कोई नहीं, पेंट्री का ही लंच हम खाते हैं, देखते हैं कैसा है। लेकिन ब्रेकफास्ट खाने के बाद ऐसा लग रहा है कि भाई लंच भी ना बहुत बढ़िया ही होगा। वैसे आलू वड़ा मैं पहली बार खा रहा हूँ, और भाई अगर मैं इसकी टेस्ट की बात करूँ, वैसे हमने एक बार टेस्ट किया, फिर से मैं आपको काफ़ी सॉफ्ट है, मज़ा आ गया। जैसे लग रहा है ना कि ब्रेड में आलू को डाल के दिया गया, लेकिन ये ब्रेड तो है नहीं, बेसन का है ऊपर से लेयर, उसके अंदर आलू है। काफ़ी गजब का, मतलब दाल वड़ा से भी अच्छा मुझे लग रहा है आलू वड़ा। बहुत बढ़िया, ये दोनों मुझे पड़ा 40 का, मतलब 20 में एक और 20 में ये। और रही बात ये हरी मिर्ची, तो ये तो भाई खाते नहीं। वैसे कुछ देर में हम लोगों को मिलने वाली है चेन्नई गरीब रथ की क्रॉसिंग, तो चलिए दिखाते हैं, और साथ ही वो गोदावरी रिवर भी दिखाएंगे। रेडी 1 2। मम्मा पास ले जाएगा है? व्लॉगिंग करो 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 बात करो। पानी बॉटल बादाम मिल्क मैंगो जूस। मैंगो जूस पियो क्या? मैंगो जूस नहीं नहीं रखा भी है इसकी जुआनी का अलग बैग भर के दे। अच्छा अच्छा अच्छा, छोटा बैग ले आके लो, मिकी माउस वाला ऐसे पकड़ने का, ऐसे 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 ऐसे, हां दोनों हाथ से पकड़ो, दोनों हाथ से, तुमसे नहीं होगा ये। हां अब इसमें देखो शक्ल दिख रहा है तुम्हारा? इसको पता है, दिख रहा है, ये प्रतीक है, है? ये मेरा लगभग 376 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 8वां हॉल, बल्हारसा रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है BPQ, और यहां पे इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है, और हम लोग यहां पहुंचे हैं बिल्कुल ऑन टाइम। बल्हारसा रेलवे स्टेशन जिसे ओपन किया गया था इन द ईयर 1904, नंबर प्लेटफॉर्म 5, और अभी फिलहाल यहाँ रोजाना 104 ट्रेन आकर रुकती है। और यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है अपने कोच में कोच की साफ़ सफाई होगी और वाटर फिलिंग भी किया जाएगा, डस्ट वगैरह साफ किया जा रहा है।
यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स मिल रहा है। ये जो है ना, ये है 60 का, ये 30 का, और ये जो पैकेट में छोटा वाला किशमिश है, काजू है, ये है 30 का, ये है फिर 20 का। सही पैकिंग है यार। और काजू का ये देखिए पैकेट छोटा सा, ये भी है 50 का। और पीनट चिक्की ये भी है 18 रुपये का। और ये देखिए ये कितने का है? 50 का। चलिए ठीक है। अभी फिलहाल हमें की ट्रेन जो है ना तेडाली जंक्शन पे रुकी हुई है। यहाँ पे इस ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, लेकिन पीछे से आ रही है अपनी बेंगलोर राजधानी जो तेलंगाना एक्सप्रेस मतलब इस ट्रेन को ओवरटेक मारने वाली है। तो चलिए दिखाते हैं आपको ओवरटेक। दोपहर के बज रहे हैं 1 और हमने जो वेज थाली ऑर्डर किया था पेंट्री से वो आ चुका है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वेज थाली में क्या क्या है। ये रहा अपना वेज थाली, जिसमें आप देख सकते हैं ये दाल है, और दाल का थिकनेस भाई देखिए, राजधानी ट्रेन में जैसा दाल मिलता है ना वैसा ही सेम इसमें भी। और ये सब्जी है आलू की, लौकी की और हरा मटर की, ठीक है। साथ में ये राइस, और ये अनंदा का जो है ना हम लोग को दिया गया है दही, और साथ में 2 पराठा और पिकल। और आप देख सकते हैं इस तरह से थाली में सजा के दिया जा रहा है जिस तरह से प्रीमियम ट्रेन में दिया जाता है। तो भाई ये देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मतलब इस तरह के ट्रेनों में पेंट्री से खाना इस तरह से सर्व किया जा रहा है। वेज थाली में हर एक चीज़ हमने ट्राई किया, चाहे वो दाल हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो राइस हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आखिर टेस्ट कैसा है। ये जो वेज थाली है ना, ये है सिर्फ 100 रुपीज़ का, मतलब 100 रुपये में आपको इस तरह का थाली मिल रहा है। और मैं टेस्ट की बात करूँ तो दाल काफ़ी बढ़िया था, लेकिन सब्जी जो है ना वो हल्की सी तीखी है, मिर्च साथ ज़्यादा डाल दिया गया हो या जो भी हो, हल्की सी तीखी लग रही है। वैसे राइस भी सही है, ट्रेन में जिस तरह का राइस मिलता है वैसा ही राइस इसमें भी है। दाल सबसे बढ़िया हमको लगा। वैसे भी भाई 100 की थाली है भाई, इससे बढ़िया आप क्या चाहिए। साथ में दही भी दिया जा रहा है। हमने जो आपको थाली दिखाया उसमें 2 पराठा मिल रहा है, अगर आप चाहें तो एक्स्ट्रा पराठा भी ले सकते हैं, 20 का 2 पराठा आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं, वो भी आपको गर्मा गर्म पेंट्री का बना हुआ मिलेगा। चिली चिकन देखिए, चिली चिकन अभी घूम के बेच रहे हैं भैया, खाने का मन तो मुझे भी था, लेकिन अब क्या है ना रात में ट्राई करते हैं, वो भी पेंट्री का बना हुआ चिली चिकन। अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 10वां हॉल्ट नागपुर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है NGP, और यहां पर इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है, और हम ट्रेन यहां पहुंची है 15 मिनट डिले। नागपुर जो है ये आता है महाराष्ट्र में, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 8। वैसे इस स्टेशन को ओपन किया गया था इन द ईयर 1867
और अभी फिलहाल यहाँ रोजाना 216 ट्रेन आकर रुकती है। और नागपुर को हम लोग विंटर कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, साथ ही इसे ऑरेंज सिटी भी कहते हैं। अगर आप यहाँ आते हैं तो मस्ट ट्राई कीजिए, क्या यहाँ का फेमस ऑरेंज बर्फी हो, चाहे ऑरेंज रोल हो, चाहे ऑरेंज ही ट्राई कर लीजिए ना, संतरा काफ़ी मीठा होता है यहाँ। ऑरेंज बर्फी देना भाई, कितने का? हल्दीराम का है, एक और दो। कितने का है? 155 रुपये। एक और दो, एक और दो। तो यहाँ से हमने लिया दो ये ऑरेंज बर्फी। नागपुर आए और यहाँ से यहाँ का फेमस ऑरेंज बर्फी अगर नहीं ले जाए ये तो सरासर गलत होगा। वैसे मैं जब भी आता हूँ ये मैं ज़रूर ले जाता हूँ, अरे हम तो खाते ही हैं, खासतौर पर आयुष्मान को भी ये बहुत पसंद आता है ऑरेंज बर्फी, इसलिए लेना ही पड़ता है। चिकन तो चिली चिकन जो है ना आप सीट नंबर तो मिलेगा। रोटी नहीं मिलेगा उसके बदले में? नहीं है, सिर्फ दो ही पराठा। अंडा करी चलेगा? अंडा करी सब्जी। हाँ अंडा करी भी चलेगा, वेज है। अंडा करी है, सब्जी की जगह दो अंडे की करी है। अच्छा अच्छा, दाल रख लो। सबसे पहले हम लोग ट्राई करते हैं दाल। और भाई दाल में बताने वाली बात नहीं है, लंच भी किए थे ना भाई, गजब का दाल था, अभी भी बहुत बढ़िया है। एक करी ट्राई करते हैं, एक करी भी सही है भाई इसका, तो मतलब गजब का लग रहा है। अंडा करी ये भी बहुत बढ़िया है इसका, भाई मजा आ गया। लंच में जो हम लोग को जो सब्जी मिला था ना वो हल्का मिर्च उसमें थोड़ा ज़्यादा था, ठीक है, लेकिन अभी जो मिला है ना ये एक करी, उसका ग्रेवी है एक नंबर का। तो अब हम लोग ट्राई करते हैं चिकन चिली जो कि हमने एक्स्ट्रा मंगाया था, ये मुझे पड़ा 80 का। भाई ये भी काफ़ी सॉफ्ट है, सही है, ये भी सही है, लेकिन 80 के हिसाब से क्वांटिटी आपको क्या सही लग रहा है आप ही लोग कमेंट करके बताइएगा, 80 के अकॉर्डिंग क्वांटिटी सही है कि नहीं। क्वालिटी तो बेस्ट है भाई, क्वालिटी मानना पड़ेगा, क्वालिटी सही है। देखिए अगर आप स्ट्रीट में जर्नी करते हैं ना तो खाने पीने में मेरे समझ से दिक्कत नहीं होने वाला है, जो चीज़ भी खोजिएगा ना मिलेगा। ब्रेकफास्ट भाई इस ट्रेन का एक नंबर है, आप ट्राई जरूर कीजिएगा। उपमा वड़ा हमने ट्राई किया था और मॉर्निंग में भी ज़रूर ट्राई करेंगे, और साथ ही ये आनंदा का दही दिया गया है, ठीक है, और ये है दो पराठा। तो पराठा तो भाई अभी मुझे गर्म नहीं लग रहा है, ठंडा लग रहा है, ठीक है। पूरी हम सर, हाँ पूरी बन रही है, पूरी भी है, पूरी गर्म है अभी, अब रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे पूरी का ऑप्शन अवेलेबल रहता है क्या? नहीं नहीं, वो तो मेरे लिए बोल रहे हैं आप। नहीं नहीं, पूरी जो अभी डिनर में पराठा कम हो गया ना। अच्छा अच्छा अच्छा, पूरी बना तीन पीस। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और साथ ही ये राइस है, राइस जो है ये बिल्कुल गर्मा गर्म है, ठीक है,
और साथ ही ये है टोमेटो केचप जो कि दिया गया था चिकन चिली के साथ खाने के लिए, और ये पिकल जो कि मैं खाता नहीं। तो हमने बता ही दिया दाल बहुत बढ़िया है और ये एक करी भी बहुत बढ़िया है, और ये जो है ना चिकन चिली ये भी काफ़ी बढ़िया है। ये कि क्वांटिटी थोड़ा मुझे कम लग रहा है, लेकिन क्वालिटी भाई कंप्रोमाइज़ करने वाली बात नहीं है, एक नंबर है। रोटी सौ रुपये, ये जो पराठा मिला ये थोड़ा मुझे ठंडा मिला, लेकिन ओवरऑल जो भी है ना बढ़िया है भाई। तो चलिए इसे खाते हैं और फिर खाने के बाद आपसे मिलते हैं डायरेक्ट भोपाल में। सो गाइस, तो लगभग 975 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अब हम लोग की ट्रेन पहुंच चुकी है। इस ट्रेन का 11वां हॉल्ट भोपाल जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है BPL, और यहाँ पे इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है, और हम लोग यहाँ जो पहुंचे हैं बिल्कुल ऑन टाइम। भोपाल रेलवे स्टेशन से ओपन किया गया था इन द ईयर 1910, नंबर प्लेटफॉर्म 6। वैसे भोपाल को लेक सिटी भी कहते हैं, और भोपाल जो है ना इंडिया की ग्रीनेस्ट सिटी में से माना जाता है, वन ऑफ द ग्रीनेस्ट सिटी है। वैसे चलिए मैं आपको बताता हूँ इस ट्रेन के कोच का पोजीशन और फेयर के बारे में। तो अपनी तेलंगाना एक्सप्रेस जो है ना, 2 जनरल क्लास, 8 स्लीपर क्लास, 5 थर्ड एसी, 2 सेकेंड एसी और 1 फर्स्ट एसी कोच के साथ चलती है। अगर मैं फेयर की बात करूँ तो मैं जर्नी कर रहा हूँ सिकंदराबाद से न्यू दिल्ली के बीच में थर्ड एसी कोच में, इसका फेयर मुझे पड़ा लगभग 1850 रुपया। इस बात का ध्यान रखिएगा इसमें पेंट्री कोच है, लेकिन हाँ टिकट फेयर में आपको फूड इंक्लूड नहीं है, इसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। अब कुछ ही देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं न्यू दिल्ली। उससे पहले मैं आपको वॉशरूम का कंडीशन दिखा देता हूं तेलंगाना एक्सप्रेस का। तो आप देख सकते हैं वॉशरूम में जाने से पहले सामने मिरर, ये वाटर डिस्पेंसर, पानी वगैरह आ रहा है, और नीचे ये रहा डस्टबिन, इधर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है, इधर भी डस्टबिन है। और चलिए चलते हैं वॉशरूम में, और वॉशरूम में देखिए जैसे हम वॉशरूम में जाते हैं, यहाँ भी सामने मिरर है, वाटर डिस्पेंसर, ये सब सही है, इसमें लिक्विड सोप रखा हुआ है, पेपर रोल है। अगर मैं वॉशरूम की कंडीशन की बात करूँ ना, अगर आप तेलंगाना एक्सप्रेस में जर्नी करते हैं ना, कोच का कंडीशन चाहे वॉशरूम का कंडीशन हो, आपको बढ़िया ही मिलेगा। मैंने देखा है साउथ की ट्रेन में जर्नी करके, भाई अच्छी तरीके से मेंटेन किया जाता है कोच को भी और वॉशरूम को भी। और ये जो है ना, हर वॉशरूम में आपको लिक्विड से भरा हुआ मिलेगा ही मिलेगा। हम लोग पहुंच चुके हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, और ट्रेन जो है हम लोग को पहुंचाई है 5 मिनट डिले। अगर मैं जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूं तेलंगाना एक्सप्रेस का, तो भाई जर्नी एक्सपीरियंस इस ट्रेन का काफ़ी बढ़िया रहा, चाहे वो कोच का कंडीशन हो, चाहे वो वॉशरूम का कंडीशन हो, चाहे पेंट्री का बना हुआ खाना हो, वो भी इस ट्रेन का आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। पंक्चुअलिटी की अगर मैं बात करूँ तो 5 मिनट डिले तो आज पहुँचा रही है, लेकिन 2 दिन पहले भाई 1.5 घंटा डिले, उससे पहले 2 घंटा डिले थी। क्योंकि क्या है ना कि अभी अपने इधर मतलब नॉर्थ में ठंड के कारण, फॉग के कारण ट्रेन डिले हो जा रही है, लेकिन आज नहीं हो पाई।
साउथ में हम लोग 15 दिन से थे, उधर का टेम्परेचर था 28 डिग्री 30 डिग्री और इधर कितना पता है 8 डिग्री। सो तो चलिए इस जर्नी को यहीं लास्ट करते हैं, मिलते हैं अगले जर्नी में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और लगातार इसी तरह अपने भाई के साथ जर्नी करते रहे। सी यू सून, टिल देन पीस बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे, लव यू।